दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां रहस्यों की कमी नहीं है। आए दिन आप भी किसी न किसी मंदिर या स्थान की रहस्यमयी कहानियों के बारे में सुनते ही होंगे, और आज ऐसी ही एक कहानी लेकर हम आपके सामने आए हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे एक कुंड की जो काफी रहस्यमयी है। इसके जल का स्रोत क्या है, इसकी गहराई कितनी है, इसके बारे में कई प्रयास किए गए लेकिन सबका नतीजा सिफर रहा। यह कुंड है भीम कुंड, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। यह कठोर गुफाओं की चट्टानों के बीच बना है। प्राचीन काल से ही यह साधना का मुख्य केंद्र रहा है, और आज भीमकुंड एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब नदी या तालाब में लोग नहाते वक्त डूब जाते हैं और कुछ घंटे बाद बेजान शरीर पानी की सतह पर आ जाती है। लेकिन भीमकुंड में ऐसा नहीं है। यह इतना अनोखा है कि अगर कोई इसकी पानी में डूब जाए तो उसका मृत शरीर कभी ऊपर नहीं आता, या यूं कहें कि अंदर ही अंदर कहीं अदृश्य हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज तक इस कुंड की गहराई कोई नहीं नाप सका। ना जाने कितने वैज्ञानिक और बड़े से बड़े गोताखोर भी आज तक इसकी गहराई नहीं नाप सके हैं। जब इस कुंड के जल की खबर विदेशों तक पहुंची तो डिस्कवरी चैनल की पूरी टीम भारत आई। टीम अपने साथ कई वैज्ञानिक और गोताखोर भी लाई। सबने कोशिश की लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, किसी को कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ के लोगों का मानना है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा आने के पहले ही उन्हें इसकी खबर हो जाती है, क्योंकि कुंड का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है। कहा जाता है कि भूकंप या सुनामी आने के संकेत पहले से ही मिल जाते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि भरपूर इस्तेमाल के बाद भी पानी का स्तर कभी कम नहीं होता। कई बार खोज की गई लेकिन जल स्रोत का पता नहीं चल पाया। यहाँ तक कि जब गोताखोर गहराई नहीं नाप सके तो प्रशासन ने पंप की सहायता से पानी निकलवाना शुरू किया। कई दिनों तक यह काम चलता रहा लेकिन पानी का स्तर फिर भी कम नहीं हुआ। काफी खोज के बाद इसकी ताल का पता नहीं चल पाया, लेकिन 80 फीट से ज्यादा की गहराई पर गोताखोरों को तेज जल की धाराएं मिली। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद ये धाराएं समुद्र से जुड़ी हुई हैं। आपको बताते हैं कि यह कुंड कैसे बना। इसके बारे में एक काफी ही रोचक कहानी है। कहा जाता है कि भीम कुंड की कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जंगल से गुजरते वक्त द्रौपदी को प्यास लगी, वो व्याकुल उठी, पर काफी खोज के बाद भी पानी नहीं मिला। तो भीम ने गुस्से से अपनी गदा उठाई और नियत स्थान पर प्रहार कर दिया, जिससे जमीन की सतह से पानी निकल पड़ा। यह कुंड भीम की गदा से निर्मित हुआ, इसीलिए इसे भीम कुंड कहा जाता है। भीम कुंड का पानी इतना साफ और पारदर्शी है कि काफी गहराई तक चीजों को साफ देखा जा सकता है। यहाँ तक कि इसके पानी की तुलना मिनरल वाटर से की जाती है। भीम कुंड को लेकर यह मान्यता भी है कि इसमें स्नान करने से त्वचा संबंधी गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा कितनी भी प्यास लगी हो, मात्र इसकी 3 बूंद से ही सारी प्यास बुझ जाती है। भीम कुंड के इतने रहस्य हैं कि वैज्ञानिक भी हैरान है। तो दोस्तों, इस रहस्यमय कुंड के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे से आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।